गुना फोर लेन हाईवे पर बने पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर शुरुआती समय से विवादों में रहा है। इस टोल प्लाजा पर आए दिन लड़ाई, झगड़े, मारपीट होते ही रहते हैं, चाहे गलती टोल कर्मियों की ही हो या फिर ट्रक ड्राइवर की। यहां आए दिन होने वाले विवाद वाहन चालक और प्रशासन के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। पूरनखेड़ी टोल पर आए दिन होने वाले हंगामे को लेकर अब पुलिस भी परेशान हो गई है। ऐसा ही एक और मामला गुरुवार को भी सामने आया, जहां ट्रक चालक शेर सिंह अपने पुत्र मनीराम के साथ ट्रक लेकर औरंगाबाद से हरिद्वार जा रहा था। तभी सुबह ट्रक पूरनखेड़ी टोल पहुंचा तो वहां वाहन ओवरलोड बताने लगा, जिस पर विवाद होने लगा। ट्रक चालक का कहना था कि वह अभी सिंधवा सहित दो बॉर्डर से निकल कर आए हैं, वहां तो ओवरलोड नहीं बताए तो यहां पर टोल पर क्यों गाड़ी ओवरलोड बता रही है। इसी दौरान ओवरलोड को लेकर टोल कर्मी और ट्रक चालक में विवाद हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे की मारपीट कर दी, जिसके बाद घटना की जानकारी लगते ही लुखुआसा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक शेर सिंह, क्लीनर मनीराम सहित टोल कर्मी अनिल लोधी अजयपुरी के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पर मेरी गाड़ी अंडरलोड थी, ये लोग बोल रहे थे ओवरलोड है। मैंने सेंधवा बॉर्डर की पर्ची इनको दिखाई, प्लासेर बॉर्डर की इनको पर्ची दिखाई, इन्होंने पर्ची फाड़ के फेंक दी। मैंने इनकी बदतमीजी की वीडियो बनाई तो इन्होंने मेरा मोबाइल भी फोड़ के फेंक दिया। आपके साथ क्या बात को लेकर मारपीट की इन्होंने? ओवरलोड बोल रहे गाड़ी ओवरलोड है, मैं करो मेरी गाड़ी अंडरलोड है। वो टोल कर्मचारी कह रहे थे ओवरलोड है, ट्रक ड्राइवर कह रहा था ओवरलोड नहीं है। फिर इसी बात के ऊपर से दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया, मारपीट हुई है, दोनों तरफ से रिपोर्ट ले ली है, मेडिकल करवा दिए।